दोस्तों, यूपी में योगी सरकार आई, गोकसी पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा हुआ, गोकसी पर तो प्रतिबंध लगाया, लेकिन गोरक्षा के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया। आज गौ माता का, गोवंश का ये हाल है, ये दुर्दशा। इधर इधर देखिए, ये बछड़ा है, बछिया है, ये आज 2-3 दिन से यहाँ पर पड़ी हुई है और तड़प रही है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बची 25-30 किलोमीटर की रेंज में कोई गौशाला नहीं है। और उधर देखिए, उधर दिखाओ, ये गाय है, वो बछड़ा है, वो जूम करके दिखाओ, तो फसल चर रही है। यहाँ तो एक दो अभी दिखाई दे रहा है, कभी कभी 10-10, 12-12 के झुंड में आते हैं। अब कहाँ कहाँ इंसान अपनी फसल की रखवाली करेगा। ये देखिए, फसल को चर रहे हैं और इसी तरह से चर जाते हैं। इंसान इतना पैसा लगा के फसल की बुआई किया है और दिनों रात चर रहे हैं, इसी तरह से चरते हैं। और इधर कोई गौशाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो गौशाला है भी तो वहाँ पर कोई प्रतिबंध, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की। गौशाला में जाओ तो वहाँ भी इसी तरह से आपको मिलेंगे 2-4 गोवंश, बछिया, बछड़ा या गाय, आपको इसी अवस्था में वहाँ भी मिल जाएंगे। और सब लाठी से मार मार के आप भगाते हैं खेतों में से, लगता है बेचारे को किसी ने मार दिया है कि क्या है, या ठंड लग गई होगी। ठंड का मौसम है, अब इसी तरह से घूम रहे हैं, ठंड लग गई होगी, अब ये तड़प रहा है बेचारा, इसकी सुध लेने वाला कौन है। अब कहाँ है योगी सरकार, कहाँ है योग गोरक्षक, जो अपने को गोरक्षक कहते हैं, अब वो सब कहाँ है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, किसी ने लगता है मार दिया है इसको, या ठंड भी लग सकती है, ठंड लग गई होगी, ठंड का टाइम है, अब ये तड़प तड़प का इसका जान यहीं पर चला जाएगा। और गौशाला है भी कहीं तो वहाँ भी यही स्थिति है गौशाला की, वहाँ भी आपको कोई चारे का प्रबंध नहीं है ढंग से। 20-22 रुपये शायद मिलता है एक दिन का, एक पशु पे, तो 20-22 रुपये का कौन सा चारा उसको खिलाएंगे। और किसानों की तो इतनी दुर्दशा है कि बाढ़ अगर लगा दे रहे हैं, चारों तरफ खेतों की घेराबंदी कर दे रहे हैं, फिर भी उसको तोड़ के जानवर हल जाते हैं, अन्ना पशु, ये जो गाय वगैरह हैं, और चट कर जा रही हैं, खेत के खेत, फ्लाट के फ्लाट चट कर जा रही हैं। और 20-20 की झुंड में, 25-25 की झुंड में, यहाँ कहीं गौशाला नहीं है। गौशाला में लेकर जाओ तो गौशाला वाले रखने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि हमारी इतनी कैपेसिटी ही है। पहली बात तो 20-25 किलोमीटर की रेंज में गौशाला यहाँ पर है ही नहीं, ताबरपुर ब्लॉक आजमगढ़। चलो बस कर दें। अब हमने डॉक्टर को बुलाया है, एक डॉक्टर को बुलाया है, और देखते हैं इसको, देखेगा सवाल। रात में लगता है किसी ने पुआल वाल नीचे ला के डाल दिया था कि ठंड ना लगे, लेकिन यहाँ कहाँ ठंड से बचा होगा, और इसको कहाँ कोई ला के हम भी पुआल वाल ऊपर ढक देंगे थोड़ा सा। और डॉक्टर के बुलाए हैं, देखिए सुई, इसको सुई कोई इंजेक्शन वगैरह या दवाई वगैरह देता है तो कुछ आराम हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन जो गौरक्षक के नाम पर किसी के थैले में डालकर मांस और उसका मारते मारते इंसान को मार देते हैं, कोई मुस्लिम है उसको गौरक्षक के नाम पे मांस की मांस लेके जा रहा था और उसको पीटते पीटते कितनों को तो मार देते हैं गौरक्षक वाले। और लेकिन यहाँ यहाँ नहीं आएंगे, देखिए कर रहे हैं इसी तरह। अब जिसका वो खेत है वो अगर मौके पे आ गया तो भगा देगा, नहीं तो इसी तरह से चलेंगे। अब ये कब तक ये चलेंगे कोई भरोसा नहीं, जब इनका मन भर जाएगा तब यहाँ से हटेंगे, तो हट के जाएंगे कहाँ, फिर किसी के खेत में जाएंगे। और होता यही है, वो अपने खेत में से भगा देगा तो दूसरे खेत में दूसरा भगाएगा, तीसरे खेत में, लेकिन जाएंगे कहाँ, रहेंगे यहीं। अभी तो दो ही दिखाई दे रहे हैं और 20-20, 25-25 के झुंड में आते हैं। खेती किसानी करना तो बड़ा मुश्किल हो गया, जितना किसान लागत लगाता है वैसे ही अगर बढ़िया फसल हुई तो लगभग उतना ही होता है। और ये जब जानवर चट कर जाएंगे तो उसका क्या, कुछ नहीं मिलेगा, जो भी लागत लगाया है सब बेकार। चलिए
इसी तरह से है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जैसे चल रहा है चलेगा, हम भी डॉक्टर को बुला दिए हैं, उसका कुछ कर देगा उपचार वगैरह, फिर देखो उसका क्या होता है। ऐसे ही है, चलो तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।